नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंजा हगड़े और आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सा चैनल स्मॉल हाउस प्लान। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन से मॉडल की जो काफ़ी रिक्वायर्ड था। काफ़ी लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा प्लान दीजिए जिसमें बहुत ही बेहतरीन फ्रेंडली विजन हो, कार पार्किंग की सुविधा हो और आगे आपका ग्रीन एरिया हो। तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इस मॉडल को मैंने आज डिज़ाइन किया है और इस मॉडल पर आपकी सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं, जैसे कि कार पार्किंग का बात करें, ग्राउंड की बात करें, फ्रंट में आपका ग्रीन एरिया की बात करें और सारी डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले हैं इस प्लान को। काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है, तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस मॉडल का 2D डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको ये जो मॉडल मैं जिसकी बात कर रहा था उसे दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है, मैं देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत प्लान। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से आप ऐसे देखेंगे, साइड से आपका ओपन है, इस वजह से मैंने विंडो वगैरह दिए हैं। आप देख रहे होंगे विंडो और पीछे भी विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, तो घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है। प्रॉपर वेंटिलेशन हर जगह से दिया है क्योंकि पूरा ओपन प्लान ये था। तो अब हम बात करते हैं इसी मॉडल को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके। तो सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आप इसका रियलिस्टिक व्यू समझ सकें कि मैंने क्या क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्च के साथ एक बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको मैंने दिया है, ऊपर गुमटी भी बना रखी है स्टेयर्स को ढकने के लिए और फ्रंट से यहाँ पर ये देखिए बाउंड्री टाइप का बना है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ ये चारों तरफ से देखिए। आगे जो आपको फील्ड दिख रही है ना, ग्रीन एरिया पोर्च को एक साथ कंबाइंड किया है, बट इसको मैंने बाउंड्री वॉल से चारों तरफ कवर्ड कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और ये आपका मेन डोर लगा है जहाँ से आप अपनी कार पार्किंग करेंगे। एक साइड में मैंने और डोर दिया है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे, आपको मेन डोर ओपन करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नॉर्मल एंट्री करना चाहते हैं। जब आप अपनी कार को पार्क करें तभी आप इसको ओपन करें, तो यहाँ पर आपकी कार पार्किंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। जैसे आप अंदर जाते हैं तो ये आपको पूरा देखिए पोर्च एरिया, इस पर दो पिलर हैं और यहीं से आपकी मेन एंट्री होगी इस डोर से। डोर के दोनों तरफ मैंने विंडो भी दिया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वेंटिलेशन के लिए, हालांकि वेंटिलेशन चारों तरफ ऑलरेडी हो रहा है। तो अब बात करते हैं टॉप फ्लोर की। मैं टॉप से मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखिएगा टॉप व्यू घर का है। इस घर पे चार बेडरूम, किचन, लेट बाथ आपको दो देखने को मिलेंगे, स्टेयर्स केस देखने को मिलेंगी। तो आप जैसे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड में एक बेडरूम देखने को मिलता है, इस बेडरूम अटैच लेट एंड बाथ मैंने यहाँ पर दिया है। एक राइट हैंड में आपको बेडरूम देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपका कंबाइंड लेट बाद मैंने एक और दिया है यहाँ पर जिससे सभी लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद इस कॉर्नर पर एक बेडरूम, इस कॉर्नर पर एक बेडरूम और ये आपका किचन एरिया बीच में दिया है। इधर आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप टर्न होकर ऊपर जाएंगे, अपना छत पर पहुँच जाएंगे। तो चार बेडरूम, दो लेट बाथ, किचन, पोर्च, कार पार्किंग, ग्रीन एरिया के साथ एक ग्राउंड फ्लोर आपका बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें और वहां से आसानी से आप इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ। फ्रंट से आपको फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखेगा, कोई भी अंदर मैंने चेंजमेंट नहीं किया है, सिमिलर प्लान रखा है, वही चारों बेडरूम, दोनों लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स, आगे का पोर्च को आप देख सकते हैं। सिर्फ आगे मैंने ये आपको ग्रिल बना दिया और 2.5 फीट चारों तरफ छज्जा निकाल दिया है जो आपका कवर करेगा, जिसमें ग्रिल वगैरह मैंने लगा रखी है, आप देख पा रहे। तो ये ओवरऑल ग्राउंड ऑफ फर्स्ट फ्लोर बनकर रेडी हुआ है, आप देख लें। मैं आपको और दिखा देता हूँ टॉप व्यू, आप इसका देख लें ऊपर से कैसा घर दिखने वाला है। साइड व्यू आप देख लें कि आपको साइड से कैसा घर दिखेगा, इधर से आपको कैसा दिखेगा। तो आप ओवरऑल मॉडल देख सकते हैं। बात करते हैं इसके सेकेंड फ्लोर की। तो सेकेंड फ्लोर पर दोस्तों 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और ये जो ग्राउंड फ्लोर पर मैंने ग्रिल बनाया था वही सिमिलर ग्रिल, ये सिर्फ गुमटी आपको और स्टेयर्स को ढकने लगे बना दिया, ये मैंने उस पर छत लगा दिया। तो ये ओवरऑल मॉडल एक बेहतरीन सा बनकर आपके सामने रेडी हो जाता है। अगर आप एक बेहतरीन घर चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान हमारा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। तो मैं पेड सर्विस भी चलाता हूँ जिसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट करें, कॉल नहीं लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर कॉन्टेक्ट करने से पहले ये दिमाग में आप जरूर रखेंगे वो हमारी एक पेड सर्विस है, इसमें 50% आपको एडवांस देना होता है, 50 बाद में। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी विजिट करें, आप इंस्टाग्राम या आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।